गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। आज की हमारी रेसिपी है पार्ले जी बिस्किट केक। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है, इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं होते हैं और ये एगलेस होता है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने 2 पैक पार्ले जी बिस्किट लिए हैं। यहाँ 1 पाउच चीनी लिया है मैंने और ये 1 कप रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध लिया है। आपको फ्रिज से निकला हुआ दूध नहीं लेना है और ना ही ज़्यादा गर्म दूध लेना है। यहाँ पे मैंने 4-5 चम्मच शुगर ली है। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिनको हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं कैसे बनता है हमारा पार्ले जी बिस्किट केक। ये देखिए, मैंने बिस्किट्स को प्लेट में निकाल लिया है और कुछ इस तरीके से उनको तोड़ लिया है, 2 भाग में डिवाइड कर लिया है। और अब हम इसको मिक्सर में डाल के फाइन पाउडर बना लेंगे। और मिक्सर में हमें शुगर और बिस्किट को साथ में ही ग्राइंड कर लेना है और फाइन पाउडर बना लेना है। तो चलिए हम इसका फाइन पाउडर बना लेते हैं। ये देखिए, मिक्सर जार में हमें कुछ इस तरीके से बिस्किट और शुगर को डाल के फाइन पाउडर बना लेना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारा एक फाइन पाउडर बन के रेडी है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है, फाइन पाउडर बन चुका है। अब इसमें मिल्क ऐड करके हम इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। आप थोड़ा थोड़ा मिल्क डालिएगा। ये देखिए, मैंने इसमें मिल्क ऐड करके एक स्मूथ बैटर तैयार कर लिया है। ये देखिए, अब हम इसमें इनो मिलाएंगे 1 चम्मच। इसको अच्छे से आप मिला लीजिए। देखिए, इनो हमने मिला दिया है। इनो मिलाने के बाद हमारा बैटर थोड़ा सा फूल गया है और आपको ऐसे ही बैटर स्मूथ रखना है। ये देखिए, अब हमारा बैटर रेडी है। हम इसको कढ़ाई में बनाएंगे, ओवन में नहीं या माइक्रोवेव में नहीं बनाएंगे। तो कढ़ाई को हम प्रीहीट कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है प्रीहीट होने के लिए और इसमें मैंने नमक डाला हुआ है जो मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ केक बनाने के लिए। अब हम इसमें एक स्टैंड भी रख देते हैं। अब हम इसको ढक के 10 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। गैस की फ्लेम को आपको हाई रखना है, हाई फ्लेम पे आपको 10 मिनट के लिए इसको प्रीहीट करना है। ये हमने यहाँ पे एक पैन लिया है स्टील का, इसको हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से ग्रीस कर दिया है। पूरे चारों तरफ से आपको ग्रीस करना है। और मैंने यहाँ पे एक बटर पेपर यूज़ किया है। ये बटर पेपर मैंने घर पे बनाया है। अगर आपको जानना है कि मैंने बटर पेपर कैसे बनाया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि बटर पेपर कैसे बनाया है, तो मैं उसका भी लिंक आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए, केक के बैटर को मैंने इसमें डाल लिया है। डाल के आप इसको टैप टैप करेंगे ताकि जो भी एयर बबल हैं वो रिमूव हो जाए। तो चलिए अब हम इसको गार्निशिंग कर देते हैं। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे, इसको थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। ऐसे डाल के आप गार्निशिंग कर दीजिए। ये देखिए, केक की गार्निशिंग कर दी है। अब हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे। ये देखिए, हमारी कढ़ाई अच्छे से प्रीहीट हो चुकी है। अब हम इसके सेंटर में केक के पैन को रखेंगे। मैंने यहाँ पे पैन को सेंटर में रख दिया है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट तक बेक होने देंगे। सो गाइस, 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, केक कितना सुंदर दिख रहा है। अब हम इसको एक चाकू की मदद से देख लेते हैं डाल के कि पक गया है कि नहीं। ये देखिए, चाकू हमारा एकदम क्लीन आ रहा है। साइड में भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, सेंटर में देख लेते हैं। ये देखिए, केक हमारा बन चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए, केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम चाकू की मदद से इसको साइड साइड से रिमूव कर देंगे। ये देखिए, केक को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। कितना अच्छा दिख रहा है और देखिए कितना स्पॉन्जी बना है, ये देख सकते हैं आप। तो चलिए मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसको कट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है और कितना स्पॉन्जी केक बना है। ये देखिए,
पार्ले जी बिस्किट केक आप ही घर पे बनाएं और मुझे बताएं कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये केक की रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।